हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त सरिता चौहान। तो हेयर स्टाइल में क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, अब थोड़ा और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं। पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि हेयर स्विच के वगैरह में, हेयर ब्रॉन्ज के वगैरह में, या डायमंड ब्रॉन्ज के वगैरह में पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर भी हमारे हेयर स्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब महत्वपूर्ण। इसके बिना हेयर स्टाइल नहीं हो सकती है। कुछ कुछ में, सभी तो ज़रूरी नहीं कि सभी सभी चीज़ों के लिए चाहिए हेयर ड्रायर। और क्या बताया, हेयर को वेव देने के लिए, हेयर ब्लो ड्राई करने एवं हेयर सेटिंग करने के लिए हेयर ड्रायर का उपयोग किया जाता है। हॉट रोलर, आगे आते हैं। इसको भी बताई हूँ, करते हुए वीडियो में आपने देखा होगा, कटिंग के बाद यूज़ करते हैं, एटलीस्ट हेयर स्टाइल के पहले भी करते हैं। ठीक है, हेयर स्टाइल के पहले से थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करना होता है, तब करते हैं। अब आगे हॉट रोलर। ये जो हॉट रोलर है, नज़दीक से दिखाती हूँ, ये तो पिक्चर में बता रही हूँ, सिर्फ जानकारी दे रही हूँ आपको, आने वाले समय में बताऊँगी। ये देखिए हॉट रोलर, यहाँ पर स्विच रहते लगा देंगे तो ये ऑलरेडी ढक्कन बंद कर देंगे तो गर्म हो जाती है। अब देखिए, हेयर को सॉफ्ट कर्ल देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हॉट रोलर्स का उपयोग किया जाता है। हॉट रोलर्स को गर्म करके हेयर में लगाया जाता है। जब ये लगा देते हैं तो ऑटोमेटिक कर्ल्स हो जाता है। अब ये पहले बहुत चलता था, अभी थोड़ा इसका कम है, मतलब इसको कम यूज़ किया जाता है। अब जो यूज़ किया जाता है कर्लिंग रोल्स, ये मार्केट में भी मिल जाता है, आपको अमेजोन से भी मिल जाएगा। ये देखिए इसमें कितने सारे प्रोडक्ट हैं, ये कुछ, ये अभी भी है। इस सबसे पहले ये चलता था, ये चलता था और ये चलता था, और इसके पहले जो आपको दिखाया था ये भी चलता था। ठीक है, अब जो आ रहा है, ये आ रहा है जो अभी चल रहा है हमारा, ये चल रहा है कर्ल्स रोल्स में। नज़दीक से और दिखाती हूँ कर्ल्स रोल में, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कलरिंग रोल्स खुले हेयर को हेयर स्टाइल करने के लिए कर्ल्स एवं हॉट रोल उपरांत कर्लिंग रोल का भी उपयोग किया जाता है। इस रोल में हेयर को लगाकर थोड़े समय तक के रखने का, रोल को खोलने से हेयर कर्ल्स हो जाता है। हेयर में वॉल्यूम देने के लिए भी कर्लिंग रोल उपयोगी है। कर्लिंग रोल सामान्य रूप से प्लास्टिक के होते हैं। कलरिंग रोल्स जो है, ये देखिए, ये प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं। अब ये इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, घर में भी किया जाता है, पार्लर में भी यूज़ किया जाता है। घर में कैसे यूज़ करते हैं आने वाले समय में बताऊँगी। अब देखिए आयरनिंग मशीन कुछ इस टाइप से आता है, और आयरनिंग मशीन पतले छोटे में भी आते हैं, बड़े में भी आते हैं। जो घर में यूज़ करेंगे पतले यूज़ करेंगे, और पार्लर वाले लोग ये मोटा वाला। अब देखिए आयरनिंग मशीन हेयर को टेम्प्रोरी
परमानेंट ट्विस्टेड करने के लिए आयनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन की मदद से कर्ल हेयर को भी टेम्प्रोरी स्ट्रेट किया जा सकता है। इस मशीन का इस्तेमाल सॉफ्ट कर्ल करने के लिए भी किया जाता है, मतलब छोटे छोटे कर्ल्स जो टेम्प्रोरी राउंड राउंड घुमा के करेंगे उसके लिए भी किया जाता है। हम पलट देते हैं पढ़ने आगे इससे। ये देखिए क्रिम्पिंग मशीन, क्रिम्पिंग मशीन बालों को क्रिम्पिंग करने के लिए किया जाता है। क्रिम्पिंग कैसे करते हैं ये आने वाले समय में आपको बताऊंगी, करके भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये क्रिम्पिंग मशीन है। क्रिम्पिंग मशीन की मदद से हेयर को हॉरिजॉन्टल आड़े वेव्स दिए जा सकते हैं। खुले हेयर के लिए यह एक हेयर स्टाइल है। पहले क्रिम्पिंग करने के लिए बालों पर रख के ऐसे प्रेस करेंगे, फिर अगेन इस तरह से प्रेस करेंगे। अब कर्ल्स है, ये देखिए ये सारे टूल्स हैं, मतलब जो प्रोडक्ट हेयर स्टाइल में इस्तेमाल कर, ये सारे टूल्स हैं, उसके बारे में सिर्फ जानकारी दे रही हूँ मैं। बताऊँगी आगे वाले आने वाले वीडियो में बताऊँगी, आने वाले समय में बताऊँगी। तो अब ये कर्ल्स मशीन, इसको कर्ल्स कहते हैं। खुले हेयर की हेयर स्टाइल के लिए कर्ल्स का उपयोग किया जाता है। हेयर को आउट कर्ल करने के लिए स्टैंडिंग रोल तथा स्पाइरल कर्ल्स करने के लिए कर्लिंग टोन का उपयोग किया जाता है। इसमें से इस तरह से मशीन आते हैं, जो कि मेरे पास ये है और ये मैंने अभी इस्तेमाल नहीं किया है। और अगर आपको लेना है तो सिंगल ही लीजिएगा, ज़्यादा लेके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब भी इसकी ज़रूरत नहीं, जब सीख लेंगी तभी लेना। अब आ गए हेयर स्प्रे। हेयर स्प्रे का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा पीछे आप, वो देखिए, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। हेयर स्प्रे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल और हार्ड हेयर स्प्रे। हेयर स्टाइल करते समय फिनिशिंग लाने के लिए एवं हेयर स्टाइल को लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए हेयर स्प्रे का उपयोग किया जाता है। ये इस यहाँ पे बताया गया है हेयर स्प्रे, ये है हेयर स्प्रे जेल। जेल स्प्रे लिक्विड फॉर्म में होता है, जेल सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। हेयर को वेट लुक देने एवं छोटे बेबी हेयर को फिनिशिंग करने के लिए जेल स्प्रे या जेल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो लड़कियाँ उनके लिए बता रही हैं, जिनको आता है वो वीडियो ना देखें, जिनको नहीं आता है उन लड़कियाँ या मतलब लेडीज जो सीखना चाहती, जानकारी के लिए ये सब मैं बता रही हूँ। मूस फॉर्म स्वरूप में होता है। हेयर को सेट करने, हेयर को ब्लो ड्रायर तथा हेयर को वेट लुक देने के लिए मूस का उपयोग किया जाता है। कुछ फॉर्म मतलब जैसे झाग निकलता है उस टाइप से ही आता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है। अब ये हमारा हो गया हेयर प्रोडक्ट। अब हेयर स्टाइल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, ये ज़रूर से ध्यान रखें। तो चलिए यहाँ पे नंबर वाइज दिया हुआ है, ऊपर दिया हेयर स्टाइल का ध्यान रखने वाली बातें। हेयर स्टाइल करते समय हेयर ऑयली या पसीने वाले नहीं होने चाहिए, यानी कि धुले हुए होने चाहिए। हेयर वॉश किए हुए होने चाहिए, हेयर में कंडीशनर किया हुआ नहीं होना चाहिए। ये आप क्लाइंट को पहले बताना। हेयर स्टाइल करने से पहले यदि आप मेकअप करते हो तो मेकअप शुरू करने से पहले ही हेयर स्प्रे करें। हेयर कॉम को पोनी कर लें, मतलब बाल को सुलझा लेना चाहिए, और उसकी जो अगर हेयर स्टाइल करना है वो आप कर सकते हो। हेयर स्टाइल करते समय जहाँ आवश्यक वहीं हार्ड हेयर स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। सामान्य तौर पर नॉर्मल हेयर स्प्रे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जब आपका हार्ड हेयर रहता तब भी करना चाहिए। किसी किसी का सॉफ्ट होता है, किसी किसी का सिल्की बाल होता है। सिल्की बालों में आपको हार्ड हेयर स्प्रे का यूज़ नहीं करना, बाल फिर उससे ख़राब हो जाएंगे। हेयर स्प्रे अच्छी कंपनी का और अच्छी होल्डिंग कैपेसिटी वाला होना चाहिए। बैक कॉम करने के लिए हमेशा बैक कॉम का स्पेशल नज़दीक दांत वाले का कॉम का उपयोग करना चाहिए, जो कि मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। हेयर स्टाइल करने से पहले फेस कट, हेयर टाइप, प्रोफाइल आदि बातों का ध्यान रखना चाहिए। पीने, चिमटे आदि नक्काशी काम वाले और अच्छी क्वालिटी वाले इस्तेमाल करने चाहिए, पर उस पर ऑक्साइड जंग नहीं लगना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया कि अगर इसमें आप पिन, तो अभी तक तो ये लोहे वाली ही आती है, छोटी छोटी बड़ी जो भी है लोहे वाली ही थी, अभी तक तो प्लास्टिक वाली आई नहीं है। तो अगर मान लीजिए लंबे समय तक रख दिया और जंग लग रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए, नए पिन ला के लगाना। हेयर स्टाइल फिनिशिंग करने के बाद हेयर पर पीने या चिमटे दिखाई नहीं देने चाहिए। अगर दिखाई तो उस पर ब्रॉन्जर, हेयर टैटू लगाना चाहिए। क्यों नहीं मतलब दिखाई देना चाहिए? दिखाई देने से क्या है ना, हमारे हेयर स्टाइल का लुक बहुत ख़राब लगता है, तो इसलिए उसको छुपा दीजिए। जब भी हेयर पिन वगैरह लगे तो छुपा दीजिए। हेयर स्टाइल अप्स एवं फेस टाइप के अनुसार हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि नॉर्मल कोई मेहंदी फंक्शन और उस पर हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी कर देंगे तो मेकअप हमारा ख़राब लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ पार्टीज और समय के अनुसार ही मेकअप वगैरह करना चाहिए या स्टाइल करना चाहिए, ठीक है।
अब आगे आते हैं। हेयर अधिक वेवी अथवा कर्ली तो फिनिशिंग एरिया को हेयर को हार्डनिंग कर लेना चाहिए, जो कि हमने हार्डनिंग मशीन में, यहाँ पे आपने देखा होगा हार्डनिंग मशीन है, इसे हम कर लेंगे। अब आते हैं ब्रॉन्च एवं स्टिकर का प्रॉपर प्लेसमेंट करना चाहिए, मतलब जो ब्रॉन्च है जो लगाने का है ना, जो जुड़ा में क्या कहते हैं फ्लावर वगैरह लगाते हैं, तो उसको अच्छे से लगाना है, इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। हेयर स्टाइल में इस्तेमाल किया जाने वाला ब्लैक थ्रेड हमेशा कॉटन का ही होना चाहिए, जो कि मैं पहले भी बताई थी। हेयर स्टाइल छोड़ने के बाद स्कल्प में सीधा कॉम नहीं करना चाहिए, हेयर स्टाइल को छोड़कर हेयर के छोर से उलझन सुलझाते सुलझाते स्कल्प तक जाएं, ऐसा करने से हेयर को टूटने से बचाया जा सकता है। हेयर स्टाइल किए हुए हेयर में ऑयल लगाने के बाद हेयर वॉश करना चाहिए, यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ ये सब चीज़ें ताकि आप समझ लें। सभी के पास इतने पैसे नहीं होते कि खरीद सके बुक, तो मैं बस एक बेस बता रही हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए समझ लो, ठीक है, आप समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो ये सब करने। अब आगे हम क्या करते हैं, भिन्न प्रकार के हेयर पार्टिंग पार्टिंग कैसे किया जाता है इसको देख लेते हैं। ये देखिए इसमें तीन चार पार्टिंग है, तो उसको भी करके बता देती हूँ, थोड़े से स्टार्ट कर देती हूँ। ये पार्टिंग में आ जाता है हेयर सेंटर, हेयर सिर्फ ये बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए हेयर सेटिंग पार्टिंग, अब हेयर पार्टिंग में देखते हैं। देखिए सेंटर हेयर पार्टिंग यानी सीधी मांग जो बनती है ना, उसको सेंटर हेयर पार्टिंग कहते हैं, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, और इसका थोड़ा सा आपको जानकारी दे ही देते हैं। सामान्य तौर पर हेयर स्टाइल करने के लिए सेंटर पार्टिंग किया जाता है। सेंटर पार्टिंग बीच में मांग करने से हेयर स्टाइल करने में सरलता रहती है, क्योंकि सेंटर पार्टिंग करने से दोनों साइड का हेयर बैलेंस्ड रहते हैं। यदि फॉरहेड वीक हो तो सेंटर पार्टिंग की मदद से उसे भी स्मॉल किया जा सकता है। अब दूसरा, अगर साइड हेयर पार्टिंग ये स्कूल गोइंग जो लड़कियां होती हैं वहाँ से करते हैं, और मैं भी ऑलरेडी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं साइड से ही पार्टिंग करती हूँ। सेंटर हेयर पार्टिंग की तरह साइड हेयर पार्टिंग भी एक काम कॉमन हेयर पार्टिंग है। अधिक लॉन्ग फेस को कम लॉन्ग दर्शाने के लिए साइड हेयर पार्टिंग की जाती है। फेस की चौड़ाई कम दर्शाने के लिए एवं फेस को निश्चित प्रकार का लुक देने के लिए साइड हेयर पार्टिंग किया जाता है। ये दो पार्टिंग होगी। अब तीसरे पार्टिंग में आते हैं ट्राइंगल, जैसे क्रॉस में हो जाता है ये साइड से है, तो अब इसी को यहाँ से करेंगे ना, तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल यानी तिरछा। तो अब तिरछे वाले मारते हैं, ध्यान से आप देखें, ट्राइंगल तिरछी हेयर पार्टिंग कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे बताया है ट्राइंगल तिरछी हेयर पार्टिंग। ये ट्राइंगल तिरछी हेयर पार्टिंग करने से आकर्षक लुक मिलता है। राउंड अथवा स्क्वायर फेस पर यह पार्टिंग करने से फेस थोड़ा हाइट वाला हो ऐसा लुक मिलता है। इस पार्टिंग से फॉरवर्ड के दोनों साइड का लुक बैलेंस्ड प्रतीत होता है। अब तो हमारे ये हो गया, अब हो गया चौथा कवर्ड हॉरिजेंटल हेयर पार्टिंग, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। ये देखें कवर्ड हॉरिजेंटल हेयर पार्टिंग करने से फॉरवर्ड कवर किया जा सकता है। यह पार्टिंग करने से हेयर स्टाइल करते समय जो छोटे छोटे हेयर दिखाई देते जो छोटे हेयर दिखाई देते हैं उन्हें कवर किया जा सकता है, और बैंग्स करने से फ्रेश नेवल लुक मिलता है। यहाँ बार बार मतलब अप डाउन होता होगा थोड़ा ऊपर नीचे, तो कैमरा हाथ में है हिलता है, तो इस पर प्लीज़ ध्यान मत दीजिएगा। अब ये हो गया, अब पाँचवें पे आते हैं बैक 1.2 राउंड पार्टिंग। ये बैक आपको जैसा दिख रहा होगा इस तरह से करके दिखाऊंगी अपने कस्टमर पे। अब देखिए बैक 1.2 राउंड हेयर पार्टिंग यहाँ लिखा हुआ है। बैक 1.2 राउंड हेयर पार्टिंग चोटी की हेयर स्टाइल करने के लॉन्ग हेयर की स्टाइल करने तथा अधिक ग्रोथ वाले हेयर को डिवाइड करके हेयर स्टाइल करने के लिए कहता है। यहाँ पे हेयर स्टाइल के लिए भी किया जाता है और हेयर कटिंग के लिए भी किया जाता है। ये जो सारे पार्ट्स हैं हेयर कटिंग के लिए भी किया जाता है, पर यहाँ पे सिर्फ आपको स्टाइल के लिए बता रही हूँ, तो पर ये दोनों में यूज़ हो सकता है। अभी पलट देते हैं और आ जाते हैं छठे पे 3.4 वर्टिकल हेयर पार्टिंग, कुछ इस तरह से होता है। उनको दिखा देती हूँ नज़दीक से, दिखाई पड़ रहा होगा। बैक 3.4 वर्टिकल पार्टिंग, बैक 1.4 वर्टिकल हेयर पार्टिंग फ्रेंच रोल फंकी एवं रो वाली वेस्टर्न हेयर के लिए स्टाइल के लिए किया जाता है। सेम चीज़ कटिंग के लिए भी आती है, ये स्टाइल करने के लिए आती है, या फ्रेंच रोल जैसे साइड में करते हैं रोल, उसके लिए ये यूज़ होता है। बॉक्स पार्टिंग बहुत ही
मेन इम्पॉर्टेंट रोल इसका है। चाहे आप हेयर स्टाइल कीजिए, चाहे हेयर कटिंग कीजिए, चाहे मेकअप कीजिए, तो ये सभी में, यहाँ से जैसे दिखा रहा होगा यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यह है बॉक्स पॉटिंग, दिख रहा है यहाँ से, इसको बॉक्स पॉटिंग कहते हैं। कटिंग के लिए तो मस्त। अब आ गया आईब्रोज के सेंटर अथवा आई वॉल से लेकर क्राउन एरिया तक के हेयर को पार्ट को बॉक्स कहा जाता था, इस पार्टिंग को बॉक्स पार्टिंग कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिए रखिए और याद कर लीजिएगा, नहीं तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकती हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कीजिएगा लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।